जय जीवदानी। कहे कामिनी में मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर आस्था के शहर, विश्वास के शहर बनारस, वाराणसी, काशी से रूबरू हूँ और रेमेडा होटल में इस समय निवास कर रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, और सबसे पहले जो बात शेयर करनी है मुझे वो ये है कि यहाँ आके मैंने एक चीज सीखी है। अब देखिए, कोई कोई शहर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपने आप में विस्तार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है उस शहर का, बहुत उसकी प्रगति हो जाती है, बड़ा खूबसूरत होता है। अब बनारस की खूबसूरती क्या है? बनारस की खूबसूरती है इधर का विश्वास लोगों का प्रभु के प्रति, इधर की आस्था प्रभु के प्रति, और जो ये विश्वास है, ये आस्था है, ये सदियों 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 से चली आ रही है। न जाने कितने हजार साल हो गए, क्योंकि तो शिव की नगरी कहा जाता है इसे। तो एक बात आपसे शेयर करनी थी मुझे, जो कि इस चर्चा में मैं आपसे कहूंगी कि हम कई बार क्या होता है कि हमारा विश्वास डोल जाता है, और हमको इधर उधर से, अगर आप वाकई में रोज शरणागत होते हैं भगवान के, तो कुछ ना कुछ संदेश आपको मिलता है ईश्वर से कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, समझो इस बात को। तो ऐसे ही मेरा भी कहीं विश्वास हिला था थोड़ा सा, और उसके बाद मैं जब आस्था की नगरी वाराणसी में आई, तो यहां पर आकर एक चीज सीखी है मैंने, चाहे कोई प्रगति हो चाहे ना हो, चाहे कोई बहुत अमीरी हो चाहे ना हो, लेकिन आस्था है, विश्वास है और भरपूर है, और उस वजह से मस्त हैं लोग यहाँ के, खुश रहते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, आनंद में रहते हैं, रोज शाम को अपना कड़क कड़क कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं, अपने अंदाज में रहते हैं, बिंदास कहलाते हैं। और ये सब किस वजह से है? ये सब इस वजह से है क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई है जो उनकी जो जीवन, उनका जो दिनचर्या है वो चलाता है। इस बात से एक बात समझ में नहीं आती आपको, जो मुझे समझ में आती है, जैसे छोटा सा बच्चा लेट जाता है माँ की गोद में और माँ फिर उसकी सारी केयर करती है, पर माँ को उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम खाओगे कब और पियोगे कब और तुम्हारी नैपी कौन बदलेगा और तुम्हारा कपड़ा कौन बदलेगा। इसी तरह जब हम प्रभु के शरणागत होते हैं, तो हर बात से, जब हम सारे कर्म करके और रात को बिंदास बनारसी की तरह सो जाते हैं, जो कि यहाँ मेरा एक जो छोटा सा बच्चा है विभु, वो ये पेज भी चलाता है, जिसको आपको लाइक और शेयर भी करना है, तो उस समय आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि आपकी नींद बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि आप शरणागत हैं। तो सरेंडर, सरेंडर होना बहुत बड़ी चीज है। और जब महादेव की पूजा की जाती है ना, तो हर हर महादेव करते हुए हाथ ऊपर किए जाते हैं। जब किसी पुलिस के सामने होता है कोई कैदी, तब भी उसे कहा जाता है ना हैंड्स अप, तो हैंड्स अप करने का मतलब ये होता है शरणागत हो जाना। तो ये कहा जाता है यहाँ पर, हर हर महादेव और घर घर महादेव। कहे कामिनी में मैं कामिनी खन्ना, बता रही थी आपको शरणागति का मजा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। कहने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी।